પરમાનંદજી એ મહામહિમામય સંતજી બેઠા ગાથા સચમુચ મહામહિમામય ક્યોકિ ઇસમે અનાદિ સે ઘબરાયે હુએ જીવ કો બહોત બડી બાત કહી ગઈ જીવ કા પ્રશ્ન હૈ સદા સે મુજે આરામ કૈસે મિલે એક હી પ્રશ્ન હૈ સારી દુનિયા કા સારી જીવ લોક કા उसका उत्तर आचार्य क्या देते ये प्रथम हमें अपनी कल्पना में सोचना चाहिए क्या उत्तर हो सकता है उसका। सचमुच तो उत्तर यही है कि अपने घर में आराम से रहो, इधर उधर क्यों जाते हो, इधर उधर क्यों झांकते हो, जहां जाना चाहते हो और जहां झांकते हो वहां तुम्हारा क्या है, कुछ भी नहीं है। और यही उत्तर हो सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उत्तर नहीं। पंद्रहवीं गाथा सचमुच जैन शासन है, क्योंकि इसमें जैन शासन का जो सौंदर्य है, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो आनंद प्राप्त करने की विधि है, उसका प्रतिपादन किया है। जितना भी द्वादशांग रूप जैन शासन है अथवा भगवान की वाणी रूप, भगवान की सारी वाणी वो तो ग्रहण नहीं होती। जितनी कुछ गंधर्व परमात्मा ग्रहण कर पाते हैं उसका नाम जैन शासन। द्रविशुक शब्द ब्रह्म परमागम अनादि निधन, तो हम कहेंगे कि वो तो बहुत बड़ा है, उसमें से ये आचार्य का उत्तर कैसे तलाश करें कि अपने घर में रहो आराम से और जैन शासन द्वादशांग उसकी जो काया है वो तो बहुत बड़ी है, उसके जो उल्लेख हैं वे भी विविध प्रकार के हैं। जीव को दुखी भी बताया है, महादुखी बताया है, उसमें से ये बात कैसे निकालें हम कि उस सारे द्वादशांग में केवल ये एक ही वचन है कि आत्मा की अनुभूति में रहो, क्योंकि जगत में तुम्हारे लिए किसी के पास कुछ भी नहीं है। ये जो भारतवर्ष का बहुत बड़ा संविधान है इसके संबंध में कोई प्रश्न करे कि सारे संविधान का सार क्या है, ये जो इतने करोड़ों भारतवासी हैं इन सब पर ये संविधान लागू होता है, लेकिन ये कहता क्या है? तो बहुत बातें कहता है, बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत कानून हैं, लेकिन वो तो हमारे बस की बात नहीं है। मूल बात, मतलब की बात बताओ, क्या कहेगा? सारी
भारतवर्ष की संविधान का सार यह है कि अपने घर में आराम से रहो और खटपट मत करो, क्योंकि वह विसंवाद पैदा करती है और वे प्रयास सब दंडनीय होते हैं। जैन शासन ने क्या बुरा कहा, यह भी तो संविधान है। जैन शासन मन कुदरत का संविधान, कुदरत का संविधान जो तीर्थंकरों ने लिखा उसका नाम जैन शासन है। लिखा मैंने जो उन्होंने प्रत्यक्ष देखा और कहा उसी का नाम उल्लेख है, और उसमें उसके केंद्र में यह बात आई। संपूर्ण जैन शासन का सार यह है कि जीव उत्सुक स्वरूप है, आराम स्वरूप है, और उसे आराम से रहना है। जैसे भारत के संविधान में यह है, इससे आत्मा के सुख के निधानों को कोई आंच नहीं, वे तो सुरक्षित पड़े रहते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा कि एक बार संपूर्ण लोक की ओर देखो कि सारा ही लोक वो अपने अपने कार्य में मौन भाव से व्यस्त है, कि संपूर्ण अचेतन लोक का संदेश तुमको क्या है, कि तुम भी अपने घर में आराम से अपना काम करो। तो आत्मा का काम क्या हो सकता है कि जो जो निधान उसके पास हैं उनका भोग, बस यही एक काम हो सकता है, इसके अतिरिक्त नहीं। अचेतन के पास भी निधान तो है, लेकिन वो स्वयं उनको नहीं जानता तो भोग भी नहीं होता। और वास्तविक भोग कहें तो अचेतन का भी भोग यह है कि वह कभी भी अपने निधानों को नहीं छोड़ता और उनमें ही लतपत रहता है। पुद्गल का एक परमाणु अपने स्पर्श गंध वर्ण जैसे अनंत निधानों में लिपटा है, व्यस्त है, उसको कहां जरूरत है चेतन की। तो चेतन को भी अचेतन की जरूरत क्यों होना चाहिए, जरूरत तो ना हो लेकिन शिकायत भी बिल्कुल ना हो कि मुझे परेशान करते हैं, इतने कर्म बंधे हैं और हैरान करते हैं कि तेरा केस सुना नहीं जाएगा, पराजित होगा। पराजित हुआ है अब तक, लेकिन ढीठ आदमी का क्या करें। सारे के जीत जाए फिर भी एक झूठी एप्लीकेशन सरका दे, विचार तो चल ही पड़ता है उस पर। ऐसी झूठी एप्लीकेशन आत्मा सरकाता रहा लेकिन विजय कभी नहीं पाई। इसलिए संपूर्ण जैन शासन का सार जिस गाथा में लिखा वो गाथा भी सचमुच संपूर्ण जैन शासन है। बहुत गंभीर बात कही है, बहुत गंभीर है बात। क्या करता है आत्मा, क्या भूल करता है, जो ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व है और जिसको सदैव अपने उस अछूते और संपूर्ण भरचक आत्मा में सदा गर्क रहना चाहिए, उसी में गर्क उसी में लीन रहना चाहिए। तो
उसने ऐसा न करके क्या भूल की है। दुनिया के जो अनाचारी लोग होते हैं वे अनाचार के काम तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उनसे हम पूछें तो कि तुम आराम में हो, बोले हमारा आराम, हम तो आराम को पहले ही ताक में रखकर आते हैं घर पर, हमने तो हमारी नींद भी बेच दी है। जंगल में सोते हैं, जंगल में रहते हैं, और जिसमें थोड़ी भी आहट हो जाए तो भागना पड़ता है। पर ऐसा करते क्यों हो, कहते हैं हमारी आदत पड़ गई। यही उत्तर आत्मा का है। उनके आचार्य कहते हैं क्यों कष्ट पाता है, आनंद का निधान होकर, सुख के निधान तेरे भीतर भरे हैं, तेरे भीतर ही होने चाहिए, क्योंकि वे जगत में किसी के पास नहीं। अचेतन है ना जगत, और इसको विश्व कहते हैं। विश्व का अर्थ क्या होता है, विश्व माने अनेकता, विचित्रता, उसका नाम विश्व है। जिसमें अनेकता पाई जाए और विचित्रता पाई जाए वो विश्व है। तो जब अनेक पदार्थ अचेतन हैं तो दूसरा क्या होना चाहिए, चेतन होना चाहिए, अन्यथा तो विचित्रता ही नहीं रहेगी, अनेकता ही नहीं रहेगी। और जो अचेतन पदार्थ हैं ये हैं, इस बात को बोलेगा कौन, उनका होना न होना ये व्यर्थ रहा। इसलिए ये तो हेतु से सिद्ध है कि जगत में चैतन्य तत्व है, क्योंकि उसके उससे भिन्न, उससे विरुद्ध स्वभाव वाले अचेतन पदार्थ जगत में विद्यमान है, इसलिए चेतन भी होना चाहिए। ऐसे चैतन्य तत्व को कि जो स्वयं हमारे पास सदा से सुरक्षित है और जो संपूर्ण है, जिसकी संपूर्णता को कभी कोई आहट नहीं आई, इतना भरचक है, अनंत है, जिसके पास एक बार लिप्सा जागे तो आत्मा की मुंह में पानी आ गए। आत्मा के लिए, आत्मा को सुनने के लिए भी पानी नहीं आए तो अनुभूति में पानी कहां से आएगा। नींबू को देखते ही तो मुंह पानी से भर जाता है, नींबू की खटाई को देखकर, और आत्मा की समृद्धियों का विचार करके भी पानी नहीं आता। एक बार उसकी सत्ता का ज्ञान से निश्चय करो, वैसा आचार्य कहती है। चौदहवीं गाथा में उसके संबंध में संपूर्ण बात कहकर पंद्रहवीं गाथा में वे एक भूल, एक विशिष्ट प्रकार की भूल, आत्मा को अज्ञान और मिथ्या दर्शन की शेष रह जाती है, उसका प्रतिपादन आचार्य कर। इस बात को आचार्य संपूर्ण समय सार में, बल्कि अपने संपूर्ण साहित्य में कुंद कुंद इस बात को कहीं नहीं भूले। जहां उन्होंने वो बात कही, अबद्ध अस्पृष्ट आदि की, वहीं साथ में ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वयं अपने ज्ञान के संबंध में, उसके स्वरूप के संबंध में, चाहे वो द्रव्य हो, गुण हो, पर्याय हो, उसके संबंध में ये कहां चूकता है कि जिसके कारण अनंत कष्टों को पैदा करने वाला मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान समाप्त नहीं होता, उसकी चर्चा किए बिना आचार्य रहते नहीं।
वैसे तो ये नियम है कि सारी भूल एक साथ जाती है और सभी भूलें एक साथ रहते हैं। ये नियम है लिखने लायक, सभी गुण एक साथ उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने की है बात, वो गुण जो विद्यमान है शक्तियां वो अलग बात, पर एक साथ उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं मैंने उनकी जो परिणति है निर्मल, सारे गुणों की एक साथ उत्पन्न होती है, एक भी नहीं छूटता एक भी, और सारे ही गुण उनकी पहचान के अभाव में मुरझाए रहते, एक भी प्रकट नहीं हुआ। ऐसी शर्त है आत्मा की। हम तो अगर हमको निमंत्रण दोगे तो हम अनंत एक साथ आएंगे, तुम्हारे घर में जमाने को हो तो सोच लेना पहले, हम छोड़कर नहीं आते अपने घर के सदस्य को। हमारे यहां फिर चूल्हा नहीं जलता है, ये शर्त है आत्मा की। हमने व्यवहार में भी कभी सोचा नहीं इस बात को, व्यवहार भी संपूर्ण होता है अनुभूति को प्रकट करने के लायक, जो पृष्ठभूमि हमारी विशुद्धि की होती है वो नरक से लेकर देव तक चारों गतियों में जितनी होनी चाहिए उतनी तो होती ही है, इससे कम नहीं हो सकती। नरक में भी तिरिंच में भी हमारे गति के अनुसार उसके प्रकार बदल सकते हैं। हमें देव का समागम मिलता है, साक्षात भी मिल जाता है, उन जैसी ही प्रतिमाएं जो वैसी ही निमित्त बनती हैं उनका मिल जाता है, दर्शन का मिलता है, पूजा का मिलता है, जिनवाणी के पठन पाठन श्रवण का मिलता है, पर फायदा क्या हुआ? जिस तिरियंच ने कभी देव का दर्शन नहीं किया, कभी जिनवाणी नहीं पढ़ी, और वो तिरियंच हमसे अधिक काम थोड़े से समय में कर लेता है, थोड़े से इतने सपाटे से करता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। केवल एक शब्द सुनता है, एक शब्द। पुरानी जो प्रथा थी कि उनको पुराने लोगों को जो भद्र होते थे उनसे कोई गलती हो जाए तो राजा सिर्फ इतना कहता था धिक, जिसमें तो मर गए ऐसा अनुभव करते। इसी तरह जितनी विशुद्धि होती है परिणाम की, भले उस साक्षात देव शास्त्र गुरु से उसका समागम नहीं हुआ, लेकिन जड़ और चेतन का भेद जान लेता है, इसमें सातों तत्व आ गए, इसमें मोक्ष भी आ गया, सब आ गया, और देव शास्त्र गुरु भी उसमें आ गए, सब भाव स्वरूप आ गए। हमें द्रव्य रूप मिले तो निहाल नहीं हुए, उसको भाव स्वरूप मिले तो निहाल हो गया। ऐसा तिरियंच जो काम कर ले उसे मनुष्य न कर पावे तो यह भी है तो बात शर्म की। शर्म नहीं आना चाहिए? लोक में तो कहते हैं कि जो औरतें काम कर लेती हैं वो तू नहीं कर सकता, तो तुझे मर जाना चाहिए जन्म लेते ही। ठीक है, जनवाणी ऐसा नहीं बोलती। यदि मनुष्य होकर, मनुष्य को तो सचमुच चारित्र के चरणों पर बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह है उसका अधिकार, तो वास्तविक अधिकार। लेकिन यदि नहीं बढ़ पाता है तो जो चीज बच गई है सबसे पहली
उस शुद्ध चैतन्य के अनुभव की सम्यक दर्शन रूप वो तो कर ही लेना चाहिए। इसको कहते हैं त्रियंशी जो काम कर लेता है वो तो नहीं कर पाता। अच्छा होता कि तू आत्मा ही ना होता, ये कहते हैं आचार्य। तूने इस धरती पर इस धरती को लजाया क्यों? तूने स्वयं तू इस आनंद स्वरूप चैतन्य तत्व रूप है, स्वयं ही है, और तू यह नहीं बोल पाया आज तक मैं वह हूं। इतना तो बस इतनी अपेक्षा आचार्य रखते थे, एक बात बोल तो कि मैं वैसा हूं तो तेरी सारी दरिद्रता का कष्टों का अंत होने की गारंटी आचार्य लेते। बोले हमको कहना कि मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े नहीं, बोले बोले घमंडी थे, घमंडी होता है। अरे सारे प्रोफेसर उनको विद्यार्थियों को क्या कहते हैं, कोई बात न आवे तो मेरे से पूछना कि साहब आपसे आपसे क्यों पूछ, वो दूसरे लेक्चरर हैं उनसे पूछ लू। अरे मेरे से पूछना कहते हैं, वो नहीं समझता है इस बात में। इस तरह तुमको सुख संबंधी आनंद संबंधी कोई बात पूछना हो तो मेरे से पूछना, मैं खड़ा हूं। और क्योंकि और कोई इसमें समझता, इसका स्पेशलिस्ट मैं हूं। इसमें क्या है, डॉक्टर भी बोलेगा इलाज यही है, सब दुनिया में घूमा। तो आचार्य ने क्या किया कि मान किया है कि मार्दव धर्म के दिन इसका नाम है निर्भिमानता, जिसमें स्वाभिमान प्रवर्तित होता है। मोक्ष मार्ग हमें मिला है कहते हैं, ऐसी निधि हमें मिली है जो दुनिया के अनंत जीवों के पास और दुनिया के अनंत दर्शनों के पास जो नहीं है वो हमारे पास है। कैसे होती है उस आत्मा की अनुभूति, कैसे कह तो दिया आपने अबद्ध स्पृष्ट इत्यादि से इनकार कर दो, बद्ध स्पृष्ट इत्यादि से इनकार कर दो, क्योंकि आत्मा कर्मों के साथ रहकर भी कभी बंधा नहीं, राग और द्वेष के साथ रहकर भी कभी रागी द्वेषी नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों अलग अलग जाति के हैं। अलग अलग जाति के लिए लाख प्रयत्न किए जाएं, लेकिन कभी भी जाति अंतर नहीं होता। जाति पलट ली जाती है, एक हरिजन कह दे कि मैं तो महाजन बन जाता हूं, तू हरिजन बन जा, हो सकेगा? होगा ही नहीं, जन्म जात हूं कहते हैं, वो कभी पलटती नहीं है बात। इसी तरह यह जो स्वरूप है आत्मा का, इसके आसपास हैं ये तो कहते हैं। फिर आचार्य को कहना पड़ा आगे जाकर, कहते ये जो बद्ध स्पृष्ट आदि आत्मा को कर्म का बंधन, आत्मा को राग द्वेष इत्यादि जो दिखाई देते हैं, ये आत्मा की पास ही तो है, आत्मा की साथ ही तो है। तो आचार्य ने उसके भीतर जाकर देखा, जिसको ये शंका है उसके भीतर जाकर देखा, तो उन्होंने देखा कि ये अभी मानने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी आदत खराब है सदा से। तो ये कहते हैं कि ऊपर ही ऊपर तैरते, इनका आत्मा में प्रवेश ही नहीं होता, फिर तेरे क्या झगड़ा है? तेरे आसपास कोई भी रहे, तेरा बंगला सुरक्षित होना चाहिए, कुछ भी हो, तो उसका संक्रमण तेरे भीतर नहीं होना चाहिए, ये खास है बात। और ये जो सृष्टि का विधान है वो ये कहता है कि संक्रमण होगा ही नहीं, जा हमने कह दिए, ये वरदान है तेरे। अचेतन और चेतन सबको ये वरदान है कि परस्पर संक्रमण नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कर्म की हैरानी की बात झूठी है सच्ची? मन कितनी झूठी,
100% कतई झूठी है, बिल्कुल नहीं है, थोड़ी भी नहीं है। यहां से तो प्रारंभ करना चाहिए। द्रव्य कर्म की बात बहुत दूर, पर भाव कर्म की बात भी उतनी ही दूर है। भाव कर्म ने भी आत्मा को आज तक परेशान नहीं, अगर परेशान किया होता तो वो आकुलित हो जाता, नहीं होता, दुखी नहीं होता, सुखमय है ना वो, तो दुख में हो जाता आदमी अगर भाव कर्म भी आत्मा को परेशान। यहां तक के भाव कर्म आत्मा को छू लेता तो आत्मा दुखी हो जाता, छू लेता। लेकिन क्योंकि भिन्न जातियां हैं इसलिए दीवारें न्यारी न्यारी हैं, बीच में दीवार पड़ी है, और एक दूसरे में कभी भी आना जाना संभव नहीं। अब जो मूर्ख होता है वो ऐसा करता है कि दीवार तो पड़ी है बीच में, फिर भी है तो भले ही ये वर्मा शूद्र, लेकिन मेरा पड़ोसी तो है, तो ये वहां से पकौड़ियां भेजता है, उसकी यहाँ से प्याज की सब्जी आती है और खाना पीना चालू हो जाता है। इसने क्या किया आत्मा, तो क्या संबंध बन गया उसने ऐसा किया, तो बनना ही नहीं है ना, हुई संभव ही नहीं है बात, वो तो जन्मजात है बात। इसी तरह आत्मा का भी इतने कुछ इस शुद्ध चैतन्य से भिन्न प्रकार के और विजातीय भाव हैं, उनका आत्मा से कभी संबंध बनता नहीं, बनने वाला नहीं। भिन्न प्रकार की मन आत्मा है नित्य ध्रुव, पर्याय है अनित्य और अध्रुव, आत्मा का उससे भी कोई संबंध, इतना माने तो काम हो, इतना मानने में कलेजा धड़कता है, कलेजा धड़कता है इतना मान। बंधा हुआ है ही नहीं ना, कहाँ अपन बंधा हुआ है ही नहीं, बंधा हुआ हूँ इसका नाम बंधन, और कुछ नहीं है मैंने उसमें दम नहीं बिल्कुल भी। घर में आस पास है बस, आस पास होने से इसका क्या बिगड़ता है। प्रश्न यह है यदि मान लिया जाए कि आत्मा कर्म से बंधा है, तो दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हुआ उसका बंधने पर, कुछ तो होना चाहिए ना, जब एक नई बात पैदा हुई तो कुछ होना चाहिए। तो जब हमने उस बंधन से आगे जाकर उसको देखा तो वो तो होगा वही था, उसमें जरा ही अंतर हमने नहीं पाया, तब हमको ये बात झूठी लगी और हमने इसका विश्वास, बोले नहीं कुछ नहीं हुआ, ताला ही नहीं टूटा, चोरी कैसे हुई, हुआ ही नहीं है कुछ, थोड़ा भी ये विश्वास भीतर से जागे बिना कोई सी भी लंबी प्रारंभ नहीं होगी। तो पहली है बात, मुनिराज भी अगर हमें मिले और हमें कुछ कहेंगे तो वे ये नहीं कहेंगे हमारे भटकने की कहानी को लंबी नहीं करेंगे, इतना कह सकते हैं कि तूने बहुत कष्ट पाया है और हम तुझको ये सुख की जड़ी दे देंगे, इसे खा लेना, एक बार खा लेना, बस समाप्त हो जाएगी सारी कहानी, बस इतना ही तो कहते हैं। इसलिए सारे ही जितने भी ये बताए कहते हैं आत्मा के साथ दिखाई देने वाले भाव हैं, रहते हैं नहीं रहते, जैसे जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है उसके पास आसपास कौन सी हवा है, नाइट्रोजन है, विषैली गैस है आसपास सब जगह। ऑक्सीजन के सिलेंडर को अगर कीचड़ में रख दिया जाए तो क्या बिगड़ता है, वहां तो है ना विषैली गैस,
लेकिन वज्र की दीवार है, जैसे लीकेज होता नहीं है, ऑक्सीजन का उसमें लीकेज हो जाए, उसका ऑक्सीजन में लीकेज हो जाए, ये संभव नहीं है बात। इस तरह यहाँ लीकेज नहीं है, आसपास कुछ भी हो इससे तेरे को क्या फर्क पड़ने वाला, क्योंकि ये लोक है। ये तो एक बार समझ ले कि इसमें तो जितने कुछ इसके सदस्य हैं वे सब इसमें रहने वाले हैं, उनमें से एक का भी अभाव कभी होने वाला नहीं है। ये तो बस्ती है जड़ और चेतन की, इसलिए इसमें से कोई कहीं भी कभी जाने वाला नहीं है। और जगह इतनी सखड़ी है कि सब पास 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 ही नहीं, इतने ठसा ठस रहने वाले हैं, एक रहेगा वहीं दूसरा रहेगा। तो रहने वालों को ऐतराज नहीं, ये आत्मा ऐतराज करता है। ये ऐतराज दुखद है इसका कि जब रह सकते हैं तो क्या दिक्कत है, कहाँ तकलीफ है। जहाँ हवा है वहाँ पानी भी रहता है, वहीं प्रकाश भी रहता है। हम कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं रहेंगे, पर ये रह रहे हैं ना, देर को क्या तकलीफ है, रहते रहे हैं। इसी तरह सब रहते हैं। आत्मा व्यर्थ की शिकायत करता है क्योंकि इसकी नियत खोटी है। उस नियत को आचार्य सुधारते हैं। वो नियत की खराबी कहां तक चलती है वो कहते हैं आचार्य, क्योंकि स्वयं इसका ज्ञान जो प्रवर्तित हो रहा है प्रति समय हर समय, और उस ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि जैसा जगत है, जगत का जैसा स्वरूप है, उसके जो द्रव्य गुण पर्याय हैं, उसका जो उत्पाद्य द्रव्य है, उसका जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, जो कुछ भी है वो पदार्थ, ठीक वैसा का वैसा ज्ञान अपने में रचना करता, जानता, जानने रूप, केवल जानने रूप। जब जानेगा तो कैसा जानेगा, तो वो पदार्थ जैसा है ठीक जानने में कैसा होगा, नहीं होगा। जैसे हमारा कोई सदस्य इंदौर में है परिवार का, तो परिवार का सदस्य तो वहीं है, लेकिन हम उसके संबंध में यहाँ सोच रहे हैं, तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जानते हैं उसका चित्र अच्छी तरह, तो हमें वो कैसा दिखाई देगा, तो क्या वो आ गया, यहाँ आया वो या नहीं आया। तो ये नया तैयार हुआ नहीं हमने, लेकिन क्योंकि ये जो हो रहा है, ये हो रहा है वो तो हमारी आंखों का परिणाम है अथवा हमारे ज्ञान का है, लेकिन वो तो वही है। अब ये मान लेना कि वो मेरी आंखों में आ गया, बस ये दिक्कत है, सबसे बड़ा कष्ट है। यही स्थिति आत्मा की है, क्योंकि ज्ञान है ना, तो उसका काम है ये जानना। दर्पण की तरह जगत में दर्पण ही तो है, ऐसा दर्पण है, पानी है, ये ऐसे ही तो कुछ पदार्थ है कि जिनमें कुछ इस प्रकार का परिणमन देखा जाता है। कठोर पाषाणों में तो नहीं देखा जाता है, दीवारों में तो नहीं देखा जाता है, सिर्फ ज्ञान में ये बात है और होना चाहिए। अन्यथा इस आत्मा के भीतर ज्ञान के अतिरिक्त जो और है उसका पता कौन लगाएगा, उसको कौन जाने, और जगत में जो है उसका पता कौन लगाएगा, कौन जानेगा। ज्ञान की आवश्यकता सिद्ध होती है या नहीं, और ये जो ज्ञान है जो स्पष्ट जिसका परिणमन हमारे अनुभव में आता है, आचार्य कहते हैं यही आत्मा है, ज्यादा ढूंढने मत जाना पा। क्या गलती क्या करता है वो आचार्य ने कहा है। बात तो बहुत हो गई, तरह तरह समय भी हो गया, आधा घंटा तो बहुत कीजिएगा, एक भी उठेगा। संक्षेप में ये कहा आचार्य ने पहले, वह भी श्रुत ज्ञान पैदा हुआ, अबद्ध अस्पृष्ट आदि रूप अपने आप को अनुभव करता हुआ, वो ज्ञान है। और वो जो ज्ञान अनुभूति स्वरूप, वो जो ज्ञान है
वो आत्मा ही है। जो आत्मा है वो ज्ञान ही है। अंतर है दोनों में कुछ नहीं है। ज्ञान का लक्षण, ज्ञान की का परिणमन देखते ही उस परिणमन की याद नहीं आती, पर तुरंत आत्मा पकड़ा जाता नहीं पकड़ा जाता। जल में जैसे कोई डूब रहा और हमें ये पता नहीं लग पा रहा कि मनुष्य है अथवा कोई जानवर, थोड़े समय बाद हमने देखा एक अंगुली का जरा सा हिस्सा देखा, क्या पता लगाएगी तो आदमी है, ऐसा बोले अंगुली है नहीं, ऐसा बोलना चाहिए था तो अंगुली का जरा सा हिस्सा है, तुरंत कहा कि ये तो आदमी है। इसी तरह जहां ज्ञान है थोड़ा सा भी, निगोद का जीव भी इस बात को समझ ले मोक्ष हो जाए, नहीं समझता है, समझेगा भी नहीं। इसी तरह ज्ञान है वही सचमुच आत्मा है, और इसी को आत्मानुभूति कहा। यह मैं ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप चैतन्य हूँ, अबद्ध और अस्पृष्ट असंयुक्त राग द्वेषादि से सर्वथा रही। अपने यहाँ सर्वथा कहना पड़ेगा, अनेकांत मत लगाना यहाँ, अनेकांत लगाया नीचे गिर जाएगा, तो वो अनेकांत वो हमारे कलेजे में है, तो बार बार उसको दोहराना नहीं। बुरी आदत को जब छोड़ दिया जाए उसे दोहराना नहीं चाहिए। तो कहा जाता है नहीं लोक में, लोक में ऐसा कहते हैं कि कभी ये पता लग जाए कि मेरे पीछे डायन है, पीछे झांक कर नहीं देखना चाहिए वरना लग जाएगी, ऐसा कहते हैं। तो झांक कर मत देखना, इसी तरह यहाँ झांक कर मत देखना कहते पीछे। अनाधिकार बीता है बुरी आत्मों में, लेकिन यदि इसका विसर्जन कर लिया तो उसको याद मत कर, झांक कर मत देख, बार बार उसे याद करेगा तो तुझे कंपन होगा, तेरे घुटने टूटेंगे, तेरा हार्ट फेल होगा, बार बार ये सोचेगा मैंने कैसे अनर्थ किए। क्योंकि वो दूसरे पहलू को, विकारी पहलू को, बद्ध स्पष्ट वाले पहलू को साथ लेकर चलता है, इसलिए अनुभूति नहीं होती। यहां तक कह दिया आचार्य ने कि वो पूज्य नहीं है, उसका अर्थ क्या? प्रमाण की तो हम पूजा करते हैं, ज्ञान की पूजा नहीं करते, सम्यक ज्ञान की प्रमाण है नहीं, वो तो पूज्य नहीं है का अर्थ क्या? अपनी अपने साध्य की सिद्धि के लिए प्रमाण का अवलंबन मत लेना, बस इतना। पूज्य नहीं है, पूजा करना छोड़ दे, द्रव्य चढ़ाना छोड़ दे, उसका गुणगान करना छोड़ दे, वो नहीं कहते हैं। वो तो भक्ति है, राग है, उसे उसकी दिक्कत नहीं है कुछ। तो प्रमाण पूज्य नहीं है, मैंने प्रमाण के अवलंबन से कभी भी प्रमाण रहित आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए कहा शुद्ध न पूज्य है, यों कहा। इसलिए श्रुत ज्ञान में वो दो अंश होते हैं, क्योंकि श्रुत ज्ञान की है ये सामर्थ्य। ज्ञान में फर्क है ना पर्यायों में, मति ज्ञान की जो पर्याय है उसकी सामर्थ्य नहीं है ये, लेकिन श्रुत ज्ञान जो मति ज्ञान से अधिक सामर्थ्य वाला है उसकी है ये ताकत कि वह अपने ज्ञान के एक पहलू को शुद्ध न बनाकर आत्मा का अनुभव कर ले। दूसरा पहलू पड़ा रहता है स्वीकृति में, तो स्वीकृति में पड़ा रहता है। इसलिए जो ज्ञान है ये अनुभूति स्वरूप, अनुभूति स्वरूप क्या है? जो आत्मा की अनुभूति है वो क्या है? कहते हैं ज्ञान है। ज्ञान की अनुभूति कहो अथवा आत्मा की अनुभूति कहो,
एक ही बात है। क्योंकि आचार्य ने यहाँ पर गुण भेद का आविर्भाव किया है कि एक ज्ञान का अनुभव कर लो सिर्फ आत्मा में अनंत गुणों के अतिरिक्त, ये नहीं कहा है, ऐसा नहीं कहा। पर ये जो अनुभव करता हुआ जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, अनुभूति स्वरूप ये जो ज्ञान है श्रुत ज्ञान, क्या है ये? तो यही तो है आत्मा, इसी में सारा आत्मा पसरा है, इसलिए यही आत्मा। तो फिर भगवान मैं क्या गलती करता हूं, मैंने मान लिया कि यही आत्मा है, इसमें बहुत बड़ी भूल संभव होती है, वो हम बताते, इसका प्रतिपादन आचार्य करते। उसने क्या कहा कि यदि हम ये मानते हैं कि ये ज्ञान है, ज्ञान मैंने सामान्य ज्ञानन रूप जो परिणमन प्रति समय होता है, द्रव्य और गुण ये तो है ही सही, तो यहाँ तो उसकी बात करते हैं, ये प्रति समय सामान्य ज्ञानन भाव से ज्ञान चलता है, कोई भी जानने में आगे, लेकिन उस समय ज्ञान का क्या होता है, कुछ होता है तो क्या रहा, वो ज्ञान रहा, कोई भी जानने में आ गई कहते हैं बात, असल में तो वो ही थोड़ा दूर है बात, लेकिन कोई भी जानने में आ गई। ज्ञान किसी के भी आकार हो, उसे ज्ञान में क्या अंतर पड़ा? जैसे इस कमरे में प्रकाश आया तो उस प्रकाश का क्या हुआ कि कमरे में जितने पदार्थ थे उन पदार्थों के आकार प्रकाश हुआ, ये तो हुआ, लेकिन क्या हुआ ये बोलो, क्या हुआ? प्रकाश इस बेंच के आकार हुआ, प्रकाश माइक के आकार हुआ, प्रकाश समय तार के आकार हुआ, और किसी के कमरे में इत्र की शीशी रखी हो उसके आकार प्रकाश हुआ, प्रकाश में कितना इत्र की खुशबू आई, ये तो जड़ पदार्थों का स्वभाव, जड़ पदार्थों का। इत्र छोड़ दिया जाए प्रकाश में तो प्रकाश उस इत्र की गंधमय होगा या नहीं, ये विचार नहीं है प्रश्न, तो होगा नहीं क्या इतना मनोरमा बन तो खुशबू नहीं आएगी प्रकाश की, बस कीचड़ पर पड़ा हो तो जरा सुन कर देख ना प्रकाश को कि सब गंध तो आ रही है, तो प्रकाश में से आए, प्रकाश में से नहीं चीज की है, प्रकाश निर्मल है उसमें एकदम एकदम निर्मल। तो जैसे ये सूर्य के प्रकाश का एक स्वभाव है कि जहां जहां वो जाता है तो वहां जो पदार्थ हैं उनके आकार वो दिखाई देता है, हो जाता उनके आकार, उनके आकार कहते हैं नहीं है उनका आकार, वो प्रकाश का ही है। इस चौकी पर जो फैला है वो क्या है, वो चौकी, हम उसे कहेंगे चौकी का प्रकाश और प्रकाश की चौकी, दोनों में से कौन सी बात सकते हैं, दोनों झूठे, न प्रकाश की चौकी न चौकी का प्रकाश, तो क्या है क्यों, तो प्रकाश है। अच्छा कहते हैं रात को ये चौकी दिखाई नहीं देती थी और जब प्रकाश हुआ तो ये चौकी दिखाई देने लगी, तो ये विशेष बात हुई कि नहीं? तब आचार्य पूछते हैं ये बताओ कि जिस समय वो प्रकाश चौकी पर फैला तो चौकी का क्या हुआ, चौकी प्रकाशमय हुई ऐसा हमने कहा, क्या हुआ चौकी का, चौकी के स्पर्श गंधवर्ण में क्या अधिकता आई या क्या कमी आई, कुछ हुआ नहीं हुआ, ज्ञान इसे भी गया जीता है। ज्ञान भी प्रकाश की ही तरह, इसीलिए प्रकाश संज्ञा है ज्ञान को, इस प्रकाश की ही तरह ज्ञान भी जैसे ये बाहर है पदार्थ, ठीक उन्हीं के आकार, उन्हीं के आकार में जैसे अचेतन है कोई, तो अचेतन है ऐसा ज्ञान में जानने रूप परिणमन हुआ, लेकिन ज्ञान में अचेतन है
ऐसा परिणमन हुआ कि ज्ञान अचेतन हुआ, यह ज्ञान चेतन है और ये अचेतन है। ये जो अचेतन जो पद है ये चेतन है या अचेतन है? फिर से देखिए, ये आत्मा से बाहर के जो पदार्थ हैं ज्ञान में उसके संबंध में नहीं, तो फिर भी उसके संबंध में कहते हैं कि ज्ञान में ये आया, ये अचेतन है ऐसा आया। उसकी ओर झांक कर नहीं, उसकी ओर कोई देख कर नहीं, ज्ञान के भीतर ही ताकत है, सामर्थ्य है। ये प्रकाश में सामर्थ्य है या दी किसी ने? उसमें सामर्थ्य है, ये अचेतन है। अब इसका विश्लेषण कि ये अचेतन है, ये जो ज्ञान का जानन भाव है इतना अचेतन है, इसमें अचेतन कौन है? ये जो अचेतन है ये अचेतन है या चेतन है? ये क्या है, ये ज्ञान है या वो द्रव्य है? सीधा बोले ना, ये जो आत्मा में जो परिणमन हुआ ज्ञान का, कि ये जो पुद्गल है बाहर अनेक किसी भी आकार वाला, ये अचेतन है, ऐसा ज्ञान में हुआ। कि ज्ञान में अचेतन जो शब्द है वो चेतन है या अचेतन है? चेतन है। तो किसकी पर्याय है वो अचेतन? ज्ञान का जो अचेतन है वो पर्याय किसकी है? झगड़ा है क्या, कुछ दिक्कत बचती है? ये भूल है जिसको तो निकाल रहे हैं आचार्य। ये सीधा मानता है कि अचेतन है, आया है ज्ञान में, उसका आकार आया है, उसका कोई प्रभाव आया है, वही आया है, ये मानता है। और आचार्य कहते हैं ये अचेतन है, ये सारा ज्ञान है, ये चेतन है। क्योंकि अचेतन आ जाता तो निश्चित रूप में भय का अवकाश है, चिंता का अवकाश है, आकुलता का अवकाश है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं आया है, इसलिए तो निर्भय हो जा। ये सारा का सारा ये अचेतन है, ये अचेतन नहीं पर ये चेतन है, सारा ज्ञान ही है और वो तू है, इसका नाम आत्मानुभूति। उसमें कुछ भी मान ले, अचेतन का जरा भी कारण कार्य मान ले, उसके कारण से हुआ, उसके कारण से हुआ तो ज्ञान को करना नहीं आता था, ज्ञान को नहीं आता ना जानना, वो कारण है, तो उस कारण ने सिखाया इसको जानना, इसको जानना नहीं आता था, तूने अनर्थ कर दिया, गया अनंत आत्माओं की हत्या कर दी तेने। अरे ज्ञान है, उसका नाम ही ज्ञान है, इसे जानना आता है तो वो क्या किसी के पास जाकर जानेगा या किसी को बुलाकर जानेगा? जानता है स्वयं, जानना उसका काम है, उसको जानता है, ये कहने की बात है। तो उसको जानता है, ये कहां सिद्ध हुआ? ये अचेतन है, ये जो हमने इसका विश्लेषण किया, इसका परीक्षण के टेस्ट किया लेबोरेटरी में, ये अचेतन पद जो जानन भाव परिणमन हो रहा है, इसका लेबोरेटरी में टेस्ट किया हमने, तो बोला परीक्षक, बोले इसमें तो कहीं भी अचेतन नहीं है, इसमें तो चेतन ही चेतन निकला, हमने जो परीक्षा, ज्ञान ही ज्ञान निकला और कुछ निकला ही नहीं, तो कहां अचेतन आया? ये मान लेता है कि जो आकार जैसे दिखाई दे रहे हैं तो ये आकार तो उसके हैं, बस हो गया। कहते इसका नाम वज्र मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है, वो नहीं दिखता है, उसका दिखना माने और आकुलता का अंत करना चाहे, इस तीन काल में संभव नहीं हो गई, अंतर्मुख हो गई, क्योंकि जहां उसने ये समाधान किया तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अचेतन आदि अचेतन का आकार प्रकार उसका द्रव्य गुण पर्याय कुछ नहीं है। ये जितना कुछ है जो अनेकाकार दिखाई देता है ये सब ज्ञान ही है, और जो ज्ञान है जो अनुभूति है वो आत्मा ही है, हो गया। यूं होता है सम्यक दर्शन, यूं कहते हैं आचार्य। वह बद्ध स्पष्ट के आगे आचार्य ने बात उठाई, क्या भूल करता है फिर भी,
कि फिर भी ये कहता है कि मैं जानने वाला हूँ तीन लोग का हूँ। तो तुम तीन लोग का जानने वाला है, तीन लोग तेरा कौन लगता है, पहले ये जवाब दे, कौन लगता है उसे? तूने अपने ज्ञान के साथ तीन लोग को लगाया क्यों? कौन लगता है? आत्मा के साथ तो जरा भी एक दिन का भी आत्मा को बर्दाश्त नहीं, तू तीन लोग को लगाता। तीन लोग तेरा ये है, हो गया कैसे? पहले कहता था तीन लोग मेरा है, अब इसने भाषा बदलकर जिनवाणी की लाज रखकर और ये बोला तीन लोग मेरा गे है। कहते हैं बच्चू बात वही है, कुछ फर्क नहीं है, कुछ अंतर नहीं है, भाषा बदली है खाली, नियत तेरी वैसी की वैसी खोटी, कोई अंतर नहीं। और जब उसको बुलाए बिना, उससे कोई संपर्क बनाए बिना, ये सब कुछ तेरे भीतर अपने आप ही होता है, तो फिर तू ये इतना उभम क्यों करता है जबरदस्ती, इतना अध्यवसान ये तू क्यों खड़ा करता है व्यस्त? जब ये स्वतः तेरे भीतर, तू कुछ भी बोलना है, इसको बोलने में हम कहाँ इनकार करते हैं, तू बोल इसको पद प्रकाशक, ये जो अनेकाकार होते हैं उन जैसे, तो इसको बोल पद प्रकाशक, मान मत लेना, क्योंकि है ही नहीं ना, वो सिद्ध कर दे अगर वो तो है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति ने ये कहा कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है ना, ये झूठ बोलता है, झूठ बोल रहा है, ऐसा बोला, तो ये झूठ बोल रहा है तो ये बात सत्य है, झूठ है, शब्द तो झूठ आया है और वो इसके मुंह से आया है, ये झूठ बोल रहा है ऐसा बोला वो, ये झूठ बोल रहा है, ये जो वो व्यक्ति कह रहा है तो ये झूठ है सत्य है, ये किसकी पर्याय है? ये झूठ की पर्याय, झूठ की पर्याय तो उसके पास है या इसके पास आई है? ये तो सत्यवादी है, इसलिए सत्य की पर्याय है ये कि ये झूठ बोल रहा है। इसी तरह ज्ञान में है सारा का सारा है, ही स्वरूप ही ऐसा है, बाहर सारा लोग भरा है और ज्ञान में ठीक वैसा का वैसा, ज्ञान के स्वरस से, स्वरस ये रस शब्द जगह जगह समाचार में भरा है ज्ञान के साथ, ज्ञान के स्वरस से, स्वरस से गादगरी चल गई, क्या कर उस सर्वा सिद्धि में ऐसे दिन बीतते कैसे होता होगा, कैसे होता होगा, ऐसे होता है कैसे बीत जाते होंगे वो 33 साल, उनसे पूछो कि आगे 33 साल बीत बिताने में कितना टाइम लगा, उनसे पूछो कि पलक झपकती है पलक ऐसा लगा, पूछ लो सर्वा सिद्धि के जेल से कभी सपने में पूछ लो कैसे बीते होंगे आके ये इतने टाइम, हमारे तो यहाँ मुश्किल होता है स्वाध्याय में 1 घंटा बिताना मुश्किल होता है, आपके 33 साल स्वाध्याय में ये कैसे बीतते होंगे, जैसे पलक झपकती है इस तरह बीत जाती है। ये जनवाणी है, ये कुछ सामान्य बात उपन्यास नहीं है, कोई उपन्यास है तो ये आत्मा का चैतन्य का उपन्यास वास्तविक, इस तरह आविर्भाव सामान्य का, ये कहानी यहां से मोड़ लिया ना आचार्य ने, अब यहाँ सामान्य ज्ञान के आविर्भाव हो गया आविर्भाव या नहीं, अनेक कारणों में मात्र ज्ञान ही, और उसको विशेष कुछ नहीं देखना, विशेष होने पर भी उसमें कोई विशेषता नहीं, लोहे का ये हवाई जहाज जैसा विशेष आकार होने पर भी इसमें कोई विशेषता नहीं, यह मात्र लोहा है। इसी तरह ज्ञान के गे जैसे अनेक आकार होने पर भी और विशेष विशेष होने पर भी उनमें कोई विशेषता नहीं, यह तो ज्ञान सामान्य है। इस तरह ज्ञान सामान्य मैंने आत्मा ही है, ये आत्मा ज्ञान सामान्य का आविर्भाव, इसका दूसरा नाम आत्मानुभूति, वही आ गया चलेगा, हो गया बहुत टाइम हो गया आज तो गजब और कभी भी ये वार्ताएं अपने सुनी थी, ये वार्ताएं
चर्चाएं करना चाहिए, क्योंकि मूल जो चैतन्य है उसकी अनुभूति का अगर एक मार्ग है तो उसका ये प्रकरण भी एक होता है। उसके बिना आचार्य जगह जगह ये बात करते हैं, इसलिए ये प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां जाकर सचमुच भूल हो जाती है और हम ये सोचते रहते हैं कि क्या बात है, जिस सारे आत्माओं में उसे जान लिया था वो भी क्यों नहीं होती, मैं भी चलने बाकी रह गया इसलिए नहीं होती। मैंने प्रयत्न किया तरह का, लेकिन सचमुच जो सारे थे जो देव और आचार्य अंदर चंद्र तुम तुम को जाता है, मैं उनसे लाउड स्पीकर से ही लाउड स्पीकर की तरह आपके समक्ष बात करती है। आपने से किसी को हो सकता है किसी को ये बात जरूर लगी हो, मैं बिल्कुल हुआ हो